फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने फोर्थ कॉलेज की, जो है भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो दिल्ली में रोहिणी के अंदर सिचुएटेड है। बात कर लेते हैं इस कॉलेज की कनेक्टिविटी कैसी है। देखिए, अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं दिल्ली के अंदर, और अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं, तो आपको 1 से 2 किलोमीटर के अराउंड ये कॉलेज पड़ेगा वहां से, जो कि ई रिक्शा आपको बेसिकली नीचे मेट्रो स्टेशन से मिल जाता है। आपको 10 या 20 रुपए आपके लेगा, वो 10 रुपए लेता है मेनली, आप ये ध्यान रखें। तो आप समझ जाएं, इससे आपको आइडिया लग रहा होगा, कनेक्टिविटी जो है मेट्रो से बिल्कुल सुपर्ब कनेक्टिविटी है इस कॉलेज की। और अगर बात कर लें रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से, तो एयरपोर्ट से पड़ता है 32 किलोमीटर एंड नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये है 18 किलोमीटर। और अगर देखें निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से, तो ये अराउंड 30 किलोमीटर एंड आनंद विहार से भी अराउंड वाई 32-33 किलोमीटर पड़ता है। बात कर लेते हैं एक बार इस कॉलेज के रैंकिंग की। देखिए, जो इस कॉलेज की रैंकिंग है वो NIRF रैंकिंग देखी जाती है, जो 251-300 के बीच लाई करती रहती है। और जो ऐसा नहीं है कि ये रैंकिंग बढ़ नहीं सकती या घट नहीं सकती, घटती बढ़ती रहती है, पर ये कॉलेज इतने अच्छे हैं, टॉप 4-5 कॉलेज IPU के, कि ये अपनी रैंकिंग को बिल्कुल मेंटेन रखते हैं। अगर देखें हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि होना चाहिए, एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है इस कॉलेज में। देखिए, इस कॉलेज का जो एडमिशन प्रोसेस है, फर्स्ट आपका देखा जाएगा क्लास 12th की मार्कशीट्स, जिसके अंदर देखी जाएगी कि आपने PCM में एग्रीगेटेड मार्क्स अगर 55% गेन कर रखे हैं, स्कोर कर रखे हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस कॉलेज। बट वन मोर एग्जाम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। वन मोर एग्जाम मीन्स JEE मेन्स, एक और एग्जाम की जरूरत होती है, जो JEE मेन्स का एग्जाम होता है उसके अंदर आपको ठीक ठाक रैंक लानी होती है। वो हम देखेंगे अभी कितनी रैंक चाहिए होती है इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो अगर आपका ये दोनों चीज एलिजिबल है, तो आप इस कॉलेज के लिए बिल्कुल फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये कॉलेज जो है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। और अगर बात कर ले कोर्स ऑफर्ड की, तो BE और BTEC कोर्स ऑफर हो रखा है यहाँ पे। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में BTEC होती है, एंड EEE में, एंड ECE में, एंड IT में। तो देख लेते हैं एक बार इस कॉलेज की कट ऑफ्स को। कट ऑफ में देखिए, सभी कट ऑफ्स की बात नहीं करूंगा मैं, सिर्फ एक आपको सैंपल में दिखा देता हूं। जैसे आप कैटेगरी चूज कर लीजिए अपनी, आपको मैं सिखा देता हूं किस तरीके से। आप नेट पर सर्च करेंगे कॉलेज का नाम और कॉलेज प्रवेश, आप अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं उसके अंदर आकर, आपकी जो भी कैटेगरी है। जैसे अगर आपकी EWS है और आपका भी कोई सब कोटा भी लग रहा है, तो आप उसको भी चूज कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे एक मेन लेकर चलता हूँ जनरल को, जो सबके लिए अच्छा होगा, और सब आप इसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, अपनी रैंक्स को चेक कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं थर्ड राउंड की। तो देखिए, थर्ड राउंड में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की गई हुई है 97,000 एंड EEE की 2,65,000। अगर बात करें ECE की, तो 1,89,000। और अगर IT की बात करें, तो 1,14,000। आउटसाइड दिल्ली को क्यों छोड़े, उनकी भी बात कर लेते हैं। अगर बात करें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और वो बच्चा आउटसाइड दिल्ली का है, मतलब होता है कि उस बच्चे ने 12th जो है और 10th क्लास वो अपनी दिल्ली से नहीं क्वालिफाई की है, तो वो आउटसाइड दिल्ली कंसीडर होता है। अगर आपने 12th क्लास दिल्ली से पास की है, तो आप दिल्ली कैंडिडेट एलिजिबल कहलाएंगे यहाँ पर। तो बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के 51,000 एंड EEE की 82,000 एंड ECE की 69,000 के अराउंड क्लोज हो रही होती है थर्ड राउंड के अंदर। बात कर लेते हैं IT की, तो 58,000। अगर मैं बताऊं, तो इसको आप फाइनल रैंक लेकर क्लोजिंग ना चलें, इनमें 1 लाख का भी फ्लक्चुएशन, कई कई बार 3-4 लाख रैंक पर एडमिशन मिल रहा होता है IPU के इन कॉलेजेस में। बट लोअर ब्रांच हो रही होती है वो, जैसे कि EEE होती है, ECE में भी कई बार 3 लाख तक एडमिशन मिल जाता है, 3.1 लाख, 3.2 लाख तक भी मिल जाता है। बट उसके लिए सही से आपको काउंसलिंग करनी पड़ती है, और आपको स्लाइडिंग के बारे में, स्पॉट के बारे में अच्छे से आइडिया होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि उन वीडियोस को आप देखें और मिस ना हो आपसे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और शेयर जरूर करें, जिससे किसी भी फ्रेंड्स की आपकी ये इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो उसको भी जरूर बोलें कि सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाले सभी काउंसलिंग रिलेटेड वीडियो उससे भी मिस ना हो। तो आप ध्यान रखें, सब्सक्राइब जरूर कर ले। बात कर लेते हैं एक बार फीस स्ट्रक्चर की इस कॉलेज की। तो जो फी है वो अराउंड 1,23,000 इस पे शोड है, तो आप देख सकते हैं। बट एक बार आपको मैं फिर से एक हिंट दूंगा कि आप कभी भी अगर एनालिसिस करते हैं किसी कॉलेज का, तो उसकी मेन वेबसाइट पे जाना ना भूलें, जो कि यहां पर है bpitindia.com। आप जैसे ही गूगल पे लिखेंगे, आपको शो हो जाएगी ये वेबसाइट, इसकी मेन वेबसाइट है। यहाँ पर आके आप अच्छे से देख सकते हैं, इसकी प्लेसमेंट्स देख सकते हैं, कौन सी कंपनी विजिट की थी, किस तरीके से ये कॉलेज चलता है, कौन इसके VC हैं, कौन क्या है, हर चीज आपको डिटेल्स इस पे मिल जाएंगी। आप अच्छे से इस कॉलेज का टूर कर सकते हैं वर्चुअल टूर इस वेबसाइट पर आकर, और आप इसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं।
और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करें, उसका रिप्लाई आपको 24 आवर्स के अंदर, विद इन 24 आवर्स आपको मिल रहा होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें किसी भी हद पर, जिससे कि आपसे इस चैनल पर आने वाली कोई भी लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो। तो एक बार देख लेते हैं इस कॉलेज को अच्छे से। हमने देखा कंपनीज, देखिए अभी ऑनगोइंग प्लेसमेंट चल रही है जिसमें इन्फोसिस, एसेंशियर, TCS, कॉग्निजेंट, HP, ऐसी ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो इसके अंदर विजिट करती हैं। तो इस कॉलेज को अब अच्छा कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज माना गया है। एक दो साल से पीछे काफ़ी अच्छी इसकी प्लेसमेंट्स भी जा रही हैं। तो जो इसके अंदर सीट्स हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आके सीट्स चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे आपने सीट पर क्लिक किया और यहाँ सीट मैट्रिक्स पे क्लिक करिए, आपको पूरी सीट मैट्रिक्स मिल जाएगी इस कॉलेज की। 85% सीट जो है दिल्ली कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहती है, रिमेनिंग सीट्स आर रिजर्व फॉर आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स। यहाँ पे टोटल जो दिल्ली के लिए सीट मैट्रिक्स है वो 540 है, इसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं ब्रांचेज में। तो इस तरीके से आपको सीट मिल रही होंगी। और जो जैसा मैंने आपको बताया, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, हर चीज़ बहुत अच्छी है। अगर आपके फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं कि इस कॉलेज को प्रेफर करें या नहीं, अगर आपके घर के पास ये कॉलेज पड़ता है 2 या 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के पास, वो आप देख सकते हैं आप पास कितने किलोमीटर को कहते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो आप इस कॉलेज को 100% प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में इस कॉलेज की रैंकिंग और अच्छी होगी हर फॉर्म में, जैसे प्लेसमेंट, कट ऑफ, कोर्सेज, एडमिशन, रैंकिंग, कनेक्टिविटी, हर चीज बहुत अच्छी है। तो आप इस कॉलेज को जरूर प्रेफर कर सकते हैं। मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, जिसमें मैंने मेट के अंदर और MSIT के अंदर डिस्कस किया था जब आपसे रैंकिंग के बारे में, तो मैंने बताया था कि जो टॉप 5 कॉलेज हैं IP यूनिवर्सिटीज के, उसमें से आप अपने घर के नियर बाय देखें, और अगर आपके अंदर कोई एक ऐसा है कि हाँ मुझे यही कॉलेज चाहिए, तभी आप लें, अदरवाइज आप अपने घर के नियर जो कॉलेज हो उसको प्रेफर कर सकते हैं टॉप 4-5 कॉलेजेस में। अगर आपने पिछली रिव्यूज नहीं देखी है, जैसे कि महाराजा अग्रसेन, भारतीय विद्यापीठ, महाराजा सूरजमल, तो वीडियो को जाकर वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलते। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और कॉलेज की रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।